तेलंगाना के बामोर कला में एक सोने घर से चोर नकदी व सोने चांदी के जेवर पार कर ले गए। जानकारी के अनुसार फरियादी मुरारी गुप्ता पुत्र दयाराम गुप्ता निवासी हरसरा रोड बामोर कला ने बताया कि रविवार की दोपहर अपनी दुकान मकान में ताला लगाकर अपनी पत्नी के साथ पिछोर में एक रिश्तेदार के यहाँ द स्टोन समारोह में शामिल होने गए थे। सोमवार को सुबह 11 बजे जब लौटे तो दुकान का पीछे का गेट खुला हुआ था एवं छत का जाल भी खुला हुआ था, जिसको देखकर उनके मन में अनहोनी होने की आशंका हुई। तब उन्होंने अपने कमरे में जाकर देखा तो अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था एवं कमरे का सामान पूरा बिखरा हुआ पड़ा था। अलमारी में जब देखा तो उसमें रखे हुए सोने चांदी के जेवर सहित 50,000 नगद एवं किचन में रखे हुए 40,000 भी नहीं मिले। तब फरियादी ने बामोरकला थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में थाना प्रभारी नीरज राणा ने मीडिया कर्मियों से बात करने से मना कर दिया। अब इससे क्या समझा जाए? सोमवार को लौटी मतलब 11 बजे लौट के आए, देखो सालो बाहर को लगो तो भीतर को टूटी थी सोना चैनी, आंगन में थी आंगन से फिर उन्हें जाल तोड़ो, पैसे ले गए दुकान में, देखो दुकान के पूरे पैसे ले गए 70-80 हज़ार रुपया, 70-80 हज़ार पूरी बही खाते ले गए, पैसे ले गए सब। फिर भीतर आए तो भीतर पूरे टूटे फाटे हते, पूरे जेवर ले गए, हार हतो, चूड़ी भी हती, अंगूठी भी हती, जंजीर भी हती, जे भी ले गए, फाइल में रुपया रखे थे इनके भी ले गए, इनके हती कम से कम 70-80 हज़ार इनके रुपया हती, तो सामान ले गए पूरे पकड़ गए। सोनो कितना लगभग? 5 लाख के आसपास, 5 लाख के आसपास। ये चांदी हती, राजश्री की 1 लाख किलो चांदी हती।